लोगों के पास छुट्टे नहीं है। अब जो रुपए बैंक देने शुरू किए हैं उसमें भी 2000 के नोट। अमूमन हालात लंबी लाइन, आज जैसे ही एटीएम खुला एटीएम के बाहर देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतार है और हालात ही है कि एटीएम में पैसे नहीं है, आउट ऑफ सर्विस है, तो कई जगह एटीएम के शटर बंद हैं। लेकिन जहां खुले हैं वहां भी लोगों की लंबी भीड़ है। लोग उम्मीद में हैं कि काश इन्हें एटीएम से 100-100 के नोट मिल जाए, क्योंकि 100 का नोट अब इनके लिए सपना बनते जा रहा है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है लोग एटीएम लेके निराश कतार में खड़े हैं। कितने देर से खड़े हैं अंकल जी? 2 घंटा हो गया। क्या लग रहा है कि पैसा मिल पाएगा? अब देखिए क्या हाल हाथी है, खड़ा तो है, बूढ़ा आदमी बुजुर्ग है, कोई अलग से है नहीं। तो बैंक से क्यों नहीं ले? तो बैंक से तो चेक द्वारा, उसमें तो देखते हैं लाइन कितना बड़ा है बैंक का। बैंकों में लाइन है लेकिन एटीएम भी धोखा दे रहे हैं, और यही वजह है कि एटीएम के तमाम एटीएम जो है, एक्सिस का एटीएम का आधा शटर खुला है, एक भी बंदा नहीं है। एचडीएफसी का भी हाल कुछ कम बेस यूं ही दिख रहा है, और स्टेट बैंक का जो हाल है वो साफ दिख रहा है। पीछे लंबी कतार दिख रही है एटीएम और ब्रांच में जाने वाले लोग, किसी को जल्दी है कि उनके पैसे एक्सचेंज हो जाए, तो किसी को जल्दी है कि उनके पैसे एटीएम से खुले के तौर पे मिले, मगर एटीएम काम करना बंद कर दिया। लोगों की भारी भीड़ और दबाव है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि आज 2 दिन के बाद जब एटीएम खुलेगा तो कम से कम लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन एटीएम खुलने के बावजूद भी राहत नहीं है, क्योंकि एटीएम आउट ऑफ सर्विस है, कुछ एटीएम के ताले नहीं खुले हैं। ऐसे में मुश्किलें आम लोगों की बढ़ती जा रही है। सहयोगी दीपक के साथ गणेश सम्राट, जेके न्यूज नेटवर्क, पटना।